नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इंडिया गठबंधन का 12वां पॉइंट एजेंडा तैयार। 21 अप्रैल को बीजेपी के खिलाफ उलगुलान, कौन कौन रहेगा मौजूद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ रांची में 21 अप्रैल को होने वाली इंडिया की उलगुलान न्याय रैली के लिए एजेंडा तैयार कर दिया गया है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने शुक्रवार को 12 एजेंडे को सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि इन्हीं एजेंडों को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ उलगुलान का शंखनाद होगा। रैली में तानाशाही, इलेक्टोरल बॉन्ड महालूट के साथ जल जंगल जमीन लूटने वालों, आदिवासियों और दलित विरोधियों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। रैली के मंच से पिछड़ा विरोधियों, अल्पसंख्यक विरोधियों, महिला, युवा, किसान, मजदूर विरोधियों, सरकारी संपत्तियों को बेचने वालों के खिलाफ महागठबंधन मुखर होगा। इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ संघर्ष शुरू किया जाएगा। झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि कांग्रेस, राजद और आम आदमी पार्टी समेत देश के 28 राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता भाजपा और केंद्र सरकार के विरुद्ध इस रैली में उलगुलान का बिगुल फूकेंगे। रैली में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद प्रमुख लालू प्रसाद, बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के अलावा शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सहित अन्य दिग्गज मौजूद रहेंगे। झामुमो के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 21 अप्रैल की उलगुलान महारैली में गैर सनातनी लोग हिस्सा लेंगे। ऐसे में उन लोगों को ये जान लेना चाहिए कि इस रैली में असली सनातनी लोग हिस्सा लेंगे, ढोंग करने वाले लोग नहीं आएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज टीवी।